है, तो मेरे इतना पानी भरा है रोडों पे कि आप भी घुस जाओगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अंधभक्तों को हिंदू बहन ने एक करारा जवाब दिया है। हिंदू बहन ने, सुनिए, हिंदू सिस्टर ने अंधभक्त को करारा जवाब दिया। और अंधभक्त कौन है? बहुत ही ज्यादा फेमस मिस खुशबू पांडे। लेट्स स्टार्ट। मेरे भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला स्रोत क्या है? पहला स्रोत क्या है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इनके वजह से हमें पता चला है कि राम आखिर है ही कौन। हमें तो पता ही नहीं राम है कौन। इनके वजह से पता चला है कि हमें पता चल गया कि भैया राम भी कोई थे। हमें तो पता ही नहीं था आज तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस बदबू पांडे की न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूं। और इस बदबू पांडे को इस हिंदू बहन ने पूरा एक्सपोज करके रख दिया है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत पढ़ने का अब ना क्या हुआ है ना, मेरे जैसे कुछ एक दो अगर मिल गए जिनके पास कोई बेल्ले पड़े हैं, जो हिंदू मुसलमान करने वाली लड़की, जो हिंदू मुसलमान करने वाली लड़की, ये फंस गया, फंस गई है। जिसके नाम पर ये बजरंग बली करते फिर रहे हैं, उनकी औकात क्या है? ये जो बिल में छुपे छुपे लोग थे, या इनको बाहर निकलने का मौका मिल गया है, अब इनको पता चल गया है कि भैया हम जरा सा हिंदू हिंदू कर लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सा हिंदू हिंदू कर लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। दूसरे नंबर बात, यहाँ जो हिंदू हिंदू मुसलमान की बात आप लोग कर रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान कार्ड, ये रणबीर कपूर, ये ऋषि कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान, ये दो कौड़ी के जिहादी के पिल्ले, ये आए दिन हमारे ऊपर मूवी बनाते हैं, हमारे धर्म को टारगेट करते हैं। पीके में दिखाया जाता है शिव जी का स्वरूप देके किसी को बाथरूम में भेज दिया गया। आपकी औकात बता रहे हो सर, किसकी खाट खड़ी कर देंगे? खाट पे ही खड़े कर रहे थे पठान में, शाहरुख खान की भी देख लीजिए क्या हुआ, कैसा तमाचा पढ़ाएंगे मुंह पे। तो अगर ये खाट खड़ी करने वाले चले वाली बात कर रहे हैं, तो इनको ये पता है कि हमारी औकात कुछ नहीं, और ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे और ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे। भैया हम तो भगवान का रूप है, ये कहते हैं लोग, हम तो भगवान का रूप है, इन्होंने राम को बनाना, ये राम को लेकर आए हैं। मतलब अगर ये लोग राम को लेकर आए हैं, इनके वजह से हमें पता चला है कि राम आखिर है ही कौन। हमें तो पता ही नहीं राम है कौन। इनके वजह से पता चला है कि हमें राम है कौन। इन्होंने राम मंदिर बना दिया तो हमें पता चल गया कि भैया राम भी कोई थे। हमें तो पता ही नहीं था आज तक राम भी कोई थे। हमें तो पता ही नहीं था आज तक दोस्तों। सो गाइज, अगर आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपने फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, इस पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप इंक्वायरी करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। बाबा प्रधानमंत्री बाबा को होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया, वो चुनाव की बात। आएगा भैया, ये हिंदू राष्ट्र है। कब हो गया ये? नहीं आप बताइए, हम क्या भारत, छोटा भारत बन गया ऑस्ट्रेलिया में। मैं कब हो गया ये? सो के आया हूँ, सो के। जिसको कपड़ा नहीं पहनना आता था ना, वो मोदी को देख के नकल मार रहे हैं। नकल, मोदी की नकल तो कोई नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पता नहीं क्यों दिन ब दिन अंधभक्त बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये जितने भक्त हैं, ये सब किसको सपोर्ट करते हैं, इनके मुंह से सिर्फ हिंदू राष्ट्र और मोदी जी की तारीफ भर भर कर निकलती है। लेकिन अगर आपने इनसे गलती से विकास का सवाल कर लिया तो इनका मुँह बंद हो जाता है। तो आओ यार हम इनका मुँह बंद कर कर इन्हें एक्सपोज करते हैं, तो आखिर तक वीडियो में बने रहना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सही काम कर रहे हैं यूपी में बाबा, सही काम कर रहे हैं बाबा जैसा ना, बाबा जैसा हर स्टेट में चाहिए। और लेकिन बाबा हर स्टेट तो संभाल सकते नहीं भैया, नहीं संभाल सकते ना। कोई बात नहीं, तो उनको प्रधानमंत्री बना दो ना, बाबा को प्रधानमंत्री, कुल प्रधानमंत्री बनाओ, पहली फुर्सत में निकाल। मोदी जी का क्या होगा? अरे मोदी जी का क्या, मोदी जी का क्या होगा? हिंदू राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री बाबा को होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया, वो चुनाव की बात। आएगा भैया, ये हिंदू राष्ट्र है। कब हो गया ये? और रहेगा।
कब हुआ कब? और बताओ जी क्यों आने चाहिए, बताइए मोदी की अगर बात करें 24 में क्यों आने चाहिए, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि काम नहीं हुआ है। आप माइक लेके खड़े हो, आप स्वयं बता दो कि क्यों आना चाहिए। नहीं आप बताइए, हम क्या भारत छोटा भारत बन गया ऑस्ट्रेलिया में? कब हो गया ये? कट्टर भाजपाई कहें, एकदम कट्टर भाजपाई हूँ। क्या लगता है 2024 में क्या होगा? इनसे पहले तो 9 साल में मोदी की सरकार में इनसे विकास पूछो, विकास क्या क्या है? नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना आपकी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हमने भैया प्रयागराज से चला था 210 रुपए का टिकट लेके दिल्ली आया, और दिल्ली में आके सुनिए सुनिए फैल को सो के आया हूँ, सुनो सुनो सो के आया हूँ। अरे महंगाई पे जवाब नहीं दे रहे हैं, महंगाई। परसों मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, मथुरा से, अभी परसों बारिश पड़ी है तो मेरे इतना पानी भरा है रोडों पे कि आप भी घुस जाओगे। जिसको कपड़ा नहीं पहनना आता था ना, नेता को जिसको कपड़ा नहीं पहनना आता था भौजी, वो मोदी को देख के नकल मार रहे हैं। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ नकल मार रहे हैं, मारी जा रही है। मोदी की नकल तो कोई नहीं करेगा। तो मेरे मोदी की नकल कोई नहीं करेगा। वाले भाई बोलते नकल इसकी अच्छी होती है, नहीं उसकी नकल की आती है। तो दोस्तों ऐसे साहब क्या डेंजर थे वो मथुरा वाले भैया, मस्त यार वो, मजा आ गया। और वो स्टार्टिंग में वो जो मैडम थी खुशबू पांडे, खुशबू पांडे नहीं, वो जो मैडम थी, जो दूसरी मैडम थी, हाँ दूसरी वाली, वो मैडम ने क्या भाई रोस्ट किया है, क्या रोस्ट किया है, सही बोली वो, मतलब बिल्कुल सही बोली। मतलब जो लोग श्री राम के बारे में मतलब आके जय श्री राम बोलते हैं, फिर उसके बाद गालियां देते हैं, क्या ये अच्छी बात है? मतलब ये लोग बताएंगे श्री राम के बारे में, मतलब आप बताइए श्री राम के बारे में ये लोग कैसे बता सकते हैं? इनकी जुबान तो देखें आप, क्या इनकी जुबान से उनका नाम भी लेना सही है? मतलब एक जो नॉर्मल हिंदू है, जो जॉब करता है, जो बिजनेस करता है, जो अपने देश के लिए काम करता है और अपने देश के विकास में हाथ बटाता है, वो हिंदू, उसको पता है श्री राम कौन थे, क्योंकि वो सही तरीके से रहता है। और ये लोग सड़कों पे आके हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं और गलत तरीके से बयानबाजी करते हैं, क्या ये लोग बताएंगे श्री राम कौन थे? आप बताइए मुझे, अगर आप हिंदू हो तो आप बताइए कि ऐसे लोग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीइंग अ हिंदू, अगर आप हिंदू हो तो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे लोग, क्या आपको चलेगा कि ऐसे लोग आपको रिप्रेजेंट करें? मतलब इनकी जुबान तो देखिए आप, मतलब इनकी जुबान से क्या फूल झड़ते हैं, क्या झड़ता है इनकी जुबान से? गालियां, मुसलमानों के खिलाफ, और हाथ में पता नहीं क्या क्या दंगाई जैसे। भाई अच्छी बात है कि यह बताइए जरा, अच्छे से रहना चाहिए ना, और दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम भी तो सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, बीइंग अ मुस्लिम हम सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और सारे रिलीजन की जिंदगी भर रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है, हमारा ये अखलाक है और जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। हम सारे रिलीजन की, सारे इंसानों की रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करेंगे, और बट इनसे तो नहीं होगी, ये देखिए कैसे बोलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसके लिए, एंड आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।